हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। ब्रेड की रसमलाई जो एकदम इजी है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, हर लोग सीखते सीखते भी इसको बना सकते हैं। खाने में भी बहुत मज़ेदार है और आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो दो चार दिन रख भी सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगती है। तो मैंने 6 पीस ब्रेड ले लिए थे और इस तरीके से ग्लास की मदद से ब्रेड के बीचों बीच गोल शेप कर रही थी। आपको जिस शेप में बनाना है आप उस शेप में बना सकते हैं। फिर मैंने देसी घी गरम किया। देसी घी में ही बनाइए क्योंकि इसका स्वाद देसी घी में बढ़ जाता है। और एक एक पीस कर तल रही हूँ मैं। हल्का सुनहरा होने तक तलना है, इसको एकदम क्रंची नहीं करना है। थोड़ा कलर बदली हो जाए और ये थोड़ा सा जो सॉफ्ट पना था वो ख़त्म होके क्रंची पना हो जाए। देखिए, एक एक पीस करके मैं तल रही हूँ। हल्का सा ब्राउन हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, उसके बाद उसको निकाल दे रही हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह की रसमलाई कभी आपने खाई नहीं होगी और बनाने में बहुत ईजी है। इस तरह की रसमलाई बनाइए, खाइए। आप कभी भी बना सकते हैं त्योहारों पे, या फिर मेरी तरह जब भी मन करे तो बना के खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है ये। एक एक करके मैंने सभी रसमलाई की पीसेस को, ब्रेड के टुकड़ों को घी में तल लिया। ये बहुत हार्ड नहीं है, कड़क नहीं है, ये सॉफ्ट ही है, खाली कलर चेंज हुआ है। उसके बाद मैंने घी को निकाल दिया और उसी कढ़ाई में मैंने 1 लीटर दूध डाल दिया है जो मैंने सुबह गर्म किया था मलाई के साथ में। आप ऐसे ही मलाई वाला दूध यूज कीजिए या फिर आप ताज़ा दूध भी यूज कर सकते हैं। अभी इसको मैं थोड़ा पका के दूध को जला रही हूँ। थोड़ा सा गाढ़ा होने तक इसको जलाना है, थोड़ा थोड़े स्लो गैस करके, फास्ट करके। जब भी आप दूध की मलाई दूध जलाइए गाढ़ा होने के लिए कोई मिठाई के लिए, तो आप स्लो गैस पर रखिए तो आप हिल भी सकती हैं गैस के पास से, और नहीं तो फिर फास्ट गैस पर रखें तो वही खड़ी रहेगी, नहीं तो दूध कब गिर जाएगा पता नहीं चलेगा। मैंने 1 चम्मच में इलायची पाउडर डाल दी है। इलायची की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। जब भी आप मिठाई बनाइए इलायची या रोज़ वाटर आप डालिए अपने हिसाब से। मैंने इसमें चीनी डाल दिया है। चीनी मैंने इसमें 100 ग्राम डाला है। और ये दूध थोड़ा थोड़ा देखिए जल रहा है और गाढ़ा होते जा रहा है। गाढ़ा करना है। ये फुल क्रीम वाला दूध है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और ऐसे ही बनाइए खाइए, और कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट कीजिए। बनाना रेसिपी बहुत आसान है। आप जब ऐसी रेसिपी घर में बनाने लगेंगी ना, तो फिर लोगों को बाहर की मिठाई, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं पसंद आएगा। देखिए, ये दूध में शक्कर अच्छे तरीके से घुल गया है और मैं मीडियम गैस पे ही बना रही हूँ। जो मैंने ब्रेड के पीसेस घी में तल के रखे थे वो एक एक कर एक इसमें डाल रही हूँ गर्म दूध में, और निकाल रही हूँ ताकि जो क्रंची पना था वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और इसका फ्लेवर आ जाए इलायची वाला। देखिए, एक एक करके डाल के निकाल लिया, साइड में कर लिया। देखिए इस तरीके से ये दिख रहा है और दूध हमारा और गाढ़ा होते चला जा रहा है। अब इसमें थोड़ा सा हम केसर का दाना डालेंगे, धागे। आप इसको दूध में अलग से मिलाकर भी डाल सकते हैं, या फिर पानी में मिला कर डाल, या फिर डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, जैसा आपको कलर चाहिए। आप इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं। अगर फूड कलर नहीं हो तो हल्दी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरीके से सिंपल ही रखा है। और 2-4 धागे डाले हैं मैंने केसर के इसके अंदर। और देखिए, दूध हमारा गाढ़ा होता चला जा रहा है। जितना गाढ़ा चाहिए उतना ही गाढ़ा, क्योंकि जैसे ही हम इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखेंगे ना, ये और गाढ़ा अपने आप हो जाएगा। ये देखिए, ये पूरी तरह से गाढ़ा जितना चाहिए उतना हो गया है। ऐसे रसमलाई बनाइए, आपका रसमलाई सच बोलती हूँ जो खाएंगे ना वो पूछे बिना तो रह नहीं पाएंगे और एक और ज़रूर मांगेंगे। ये मेरा दूध गाढ़ा होकर तैयार हो चुका है। लगभग जितना रसमलाई के लिए गाढ़ा चाहिए उतना ये गाढ़ा हो चुका है। बस अब इसी स्टेज पे गैस को बंद कर देंगे। और मैंने 2 बर्तन में थोड़ा थोड़ा कर अलग अलग रख लिया है ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। इस तरीके से मैंने फ्रिज में रखा था
एक घंटे के लिए, और देखिए ये पूरी तरह से हमारा दूध की मलाई और दूध पूरी तरह से जम चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक एक पीस डाल के इस तरीके से मिला मिला कर प्लेट में सर्व करेंगे। और बहुत ही डिलीशियस मिठाई जो बोलते हैं रसमलाई, वो तैयार है। इस तरीके से आप उसके ऊपर जो गाढ़ा मलाई जम जाती है उसको डालिए, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसमें जो भी ऐड करना चाहे अपने हिसाब से, ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़े से बादाम के टुकड़े हैं बारीक पीस कटे हुए, उसको डाल रही हूँ। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइए। देखिए ये सुंदर जितना दिखने में लग रहा है ना, उतना ही सुंदर खाने में भी लगता है। आसान रेसिपी है, आसानी से बन जाती है। तो ऐसे ही बनाइए, खाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। ये बहुत ईजी रसमलाई बनाने का तरीका है, और सॉफ्ट इतना है कि मुंह में जाते ही घुल जाए, और स्वाद तो पूछना ही नहीं है। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।